यूपी में ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर के बाद देवरिया में भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि कभी जवानों का सिर कटवाने वाले अब वोट काटने उतरे हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जहां वे बीजेपी के वोट काटेंगे। इस दौरान भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा, सोचिए एक भ्रष्टाचारी बैंक से और सरकार में बैठे हुए लोगों की मदद से हमारे देश के गरीबों का 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा था। आपके इस चौकीदार ने वह जितने रुपए लेकर भागा था उससे सवा गुना कीमत की उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही विजय माल्या को लेकर के भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि जितने का घोटाला करके विजय माल्या भागा था उससे सवा गुना ज्यादा उसकी संपत्ति को सीज किया गया है। प्रियंका गांधी के बयान को लेकर के भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है। प्रियंका गांधी ने बयान दिया था कि यूपी में कुछ प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं जो बीजेपी के वोट काटेंगे। इसको लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब कांग्रेस वोट कटवा पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रण में ताबड़तोड़ रैलियां की नरेंद्र मोदी ने और यूपी में देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर विपक्ष को निशाने पर लिया। यूपी के देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथ लिया।